नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी बोर्ड 10th 12th का ओरिजिनल मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब आप अपने मोबाइल फोन से 10वीं और 12वीं का ओरिजिनल मार्कशीट निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कैसे आप अपना 10वीं और 12वीं का ओरिजिनल मार्कशीट निकालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना है डीजी लॉकर, DIGILOCKER, आपको यहाँ पर लिखना है डीजी लॉकर, यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर डीजी लॉकर लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सबसे ऊपर ही आपको देखने मिलेगा डीजी लॉकर। ये एप्लीकेशन गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल कर लेना। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को क्या करना इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको ओपन कर लेता हूं। जैसे आप यहां पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यह लोडिंग लेगा, आपको कुछ सेकंड आपको यहां पर वेट करना है। जैसे आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से पे इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक इंग्लिश में क्लिक रहता है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे साइड देखने मिलेगा कंटिन्यू इन इंग्लिश। बस क्या करेंगे, कंटिन्यू इन इंग्लिश पे आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस इस तरह से पे देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा नेक्स्ट, बस क्या करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर दोबारा आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे साइड देखने मिलेगा लेट्स गो, बस क्या करेंगे लेट्स गो में आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे लेट्स गो में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया विंडो खुल गया है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे साइड देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, बस क्या करेंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने मिलेगा, एक साइन इन एक क्रिएट अकाउंट। तो गाइज अगर आपने डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट बना के रखा होगा तो यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है डिजी लॉकर में, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, यानी अपना अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्रिएट अकाउंट, बस क्या करेंगे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे गाइस आपको ध्यान से देखना और ध्यान से अपना फॉर्म को फिलअप करना होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक करेंगे तो आप अपना यूपी बोर्ड का 10th एंड 12th का ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखने मिलेगा फुल नेम एज पर आधार, इस बॉक्स में क्या करना है अपना नाम फिलअप करना। जैसे आपका आधार कार्ड में जिस तरह से नेम होगा उस नेम को यहाँ पे फिलअप करेंगे। नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड देखने मिलेगा डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, यानी आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है जिस तरह से आपका आधार कार्ड में होगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना डेट चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मंथ चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इस बॉक्स में ईयर, यानी कौन सा ईयर, यहाँ पे क्या करेंगे अपना ईयर चूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसा भी आपको आधार में कार्ड में होगा उसी तरह से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा मेल फीमेल अदर, अगर मेल में है तो मेल में क्लिक करेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल में क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मोबाइल नंबर, इस बॉक्स में क्या करेंगे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। यहां पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना, यहां पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन, यानी आपको यहां पे 6-डिजिट का यहां पे आपको पिन टाइप करना हो, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहां पे गाइस आपको यहां पे जो भी पिन समझ में आया यहां पे क्या करेंगे 6-डिजिट का यहां पे पिन टाइप करेंगे। यहां पे पिन टाइप करने के बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा ईमेल आईडी, इस बॉक्स में क्या करेंगे अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी यहां पे फिलअप करने के बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा आधार नंबर, इस बॉक्स में क्या करना अपना आधार नंबर फिलअप करना है। तो चलिए सारा डिटेल्स यहां पे मैं फिलअप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना सारा डिटेल सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड देखने को मिलेगा सबमिट, बस क्या करेंगे इस सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने जो भी नंबर यहाँ पे फिलअप किया होगा उस नंबर पर क्या होता है कि एक ओटीपी आता है। तो क्या करेंगे उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो भी नंबर आपने यहाँ पे फिलअप किया होगा उस नंबर पर एक ओटीपी आता है, यहाँ पे अपना ओटीपी फिलअप करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे अपना ओटीपी सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा सबमिट, बस क्या करेंगे इस सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यू कैन सेट योर यूजर नेम वंस, यानी इस बॉक्स में आपको करना क्या कि यहाँ पे आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना होगा, एक यूजर नेम बनाना होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका यूजर नेम होगा आपको यहाँ पे कुछ यूनिक होना चाहिए, यानी आपका जैसे आपका नाम अगर आकाश है तो यहाँ पे लिखेंगे आकाश AKS आकाश, उसका जैसे आकाश है यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल कुछ लगाना है। जैसे यहाँ पे लगाता हूँ आकाश,
RRR यानी ट्रिपल आर लगा दी यहाँ पे, मतलब नाम जो होगा कुछ यूनिक होना चाहिए, यूजर नेम जो बनाएंगे कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए कि किसी से मैच नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं लिखा हूँ आकाश ट्रिपल आर, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ गाइस कुमार, फिर यहाँ पे लिखूंगा कुमार ट्रिपल आर कुमार, इस तरह से आपको यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करना होगा, मतलब कुछ स्पेशल होना चाहिए। यहाँ पे अपना यूजर नेम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा सबमिट, बस क्या करेंगे यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा योर यूजर नेम विल बी सेट योर आकाश आर आर कुमार, इस तरह से यहाँ पे देखने मिलेगा, मतलब आपका नाम जो होगा कुछ यूनिक होना चाहिए, मतलब यूजर नेम सबसे अलग होना चाहिए, तब यहाँ पे आपका यूजर नेम इस तरह से यहाँ पे आपका बन जाएगा। यहाँ पे देखने मिलेगा योर यूजर नेम विल बी सेंड टू आकाश आर आर कुमार, मतलब मेरा यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट हो चुका और मेरा पे डिजी लॉकर में 100% यहाँ पे मेरा अकाउंट जो होता है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ओके, बस क्या करेंगे इस ओके पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा यूजर नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड यू यूजर नेम लॉग, मतलब आपके यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे 100% सक्सेसफुली यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा, यहाँ पे आपका प्रोफाइल का लोगो देखने मिलेगा और यहाँ पे आपका नेम देखने मिलेगा, प्रोफाइल का लोगो यानी आपका जो आधार कार्ड में होगा वही फोटो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा और यहाँ पे अपना नेम देखने मिलेगा। अब बात आती है कि आप अपना यूपी बोर्ड का 10th एंड 12th का मार्कशीट कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ से गाइज अपना बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे साइड देखने मिलेगा सर्च का एक बॉक्स, बस क्या करेंगे इस सर्च में इस जगह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सर्च फॉर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्या करना आपको सर्च फॉर डॉक्यूमेंट में आपको इस जगह क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा, यहाँ पे सारा बोर्ड देखने मिलेगा, जो भी बोर्ड सारा बोर्ड देखने मिलेगा। अगर अपना यूपी बोर्ड का अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पे आपको देखने मिलेगा सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स, बस क्या करेंगे सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे क्या करना है अपना यूपी लिखना, सिर्फ यूपी बोर्ड लिखेंगे, यहां पे यूपी लिखेंगे तो गाइस यूपी लिखते ही आपका सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे गाइस यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे अपना मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको गाइस आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्लास 10th मार्कशीट यूपी स्टेट बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्लास 12th मार्कशीट यूपी स्टेट बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट, यानी आपको यहाँ से सारा कुछ यहाँ पे देखने मिलेगा यूपी बोर्ड का क्लास 10th मार्कशीट एंड क्लास 12th का मार्कशीट, इससे देखने मिलेगा। अगर आप अपना क्लास 10th का मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं यूपी बोर्ड का, बस क्या करेंगे इस जगह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक यहां पे आपका नेम आ जाएगा, जो भी नेम से आप अकाउंट क्रिएट किए होंगे यहां पे आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या करना इस जगह अपना रोल नंबर फिलअप करना होगा, जो भी आपका 10th में रोल नंबर होगा आपका एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर वहां पे लिखा हुआ था, उस रोल नंबर को यहां पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे यहां नीचे आएंगे तो यहां पे आपको ईयर सेलेक्ट करना, मतलब कौन सा ईयर में आप पास किए हैं, तो यहां पे क्या करेंगे अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहां पे अपना रोल नंबर और यहां पे अपना ईयर सेलेक्ट करने के बाद, बाय द वे अगर आपका यहां पे नेम नहीं आता तो यहां पे क्या करेंगे अपना नेम भी फिलअप करेंगे, तो यहां पे ऑटोमेटिक नेम फिलअप रहता है पहले से। उसके बाद यहां पे अपना रोल नंबर और यहां पे ईयर फिलअप करने के बाद आपको यहां पे नीचे साइड देखने मिलेगा गेट डॉक्यूमेंट, बस क्या करेंगे इस गेट डॉक्यूमेंट आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहां पे गाइस यहां पे आपका सारा कुछ यहां पे देखने मिलेगा क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट यहां पे आ जाएगा, जो जो आप यहां पे डाउनलोड किए होंगे, जो भी वहां पे क्लिक किए होंगे गेट डॉक्यूमेंट, यहां पे सारा कुछ आपको देखने मिलेगा। उसके लिए गाइस आपको यहां पे क्या करना है इस जगह आपको देखने मिलेगा, यहां पे देखेंगे यहां पे लिखा हुआ इशू, यहां पे लिखा हुआ इशू डॉक्यूमेंट, इस जगह क्या करेंगे इशू में आपको इस जगह क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका सारा डॉक्यूमेंट यहां पे आ जाएगा, जो भी आपका होगा। जैसे मेरा यहाँ पे क्लास 10th का मार्कशीट मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया सीबीएसई बोर्ड से था, मेरा यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का मार्कशीट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे क्लास 10th का माइग्रेशन भी यहाँ पे दोनों जगह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अपना इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे आप इशूड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दोनों आ जाएगा, क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का माइग्रेशन, अगर आप क्लास 12th का है तो क्लास 12th का भी आ जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है क्या कि यहाँ पे आपको उसी का बगल में यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट देखने को मिलेगा, बस क्या करेंगे इस 3 डॉट में क्लिक करेंगे। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा व्यू पीडीएफ, बस क्या करेंगे व्यू पीडीएफ में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां व्यू पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा, यहां पे आपका ओरिजिनल मार्कशीट देखने को मिलेगा। गाइस ये ओरिजिनल मार्कशीट जो होता है वेरीफाई होता है, मतलब कि यहां पर डिजिटल वेरीफाई होता है, ये आपका मार्कशीट ऑल ओवर इंडिया मतलब कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये हर जगह मान्यता है क्योंकि ये आपका ओरिजिनल मार्कशीट होता है या डिजिटल जो वेरीफाइड होता है सिग्नेचर होता है। यहां पे आपको इस तरह से देखने मिलेगा, यहां पे आपका सारा कुछ देखने मिलेगा, डिटेल्स वगैरह आपका नाम वगैरह आपका सारा कुछ डिटेल्स यहां पे फिलअप कर मिलेगा। ये मेरा पर्सनल डेटा है इसलिए मैंने इसको हाइड कर रखा है, यहां पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसको मैंने हाइड कर रखा क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा। तो इस तरह से आपको यहां पे देखने मिलेगा, यहां पे अपना डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पे नीचे साइड देखने मिलेगा यहां पे डाउनलोड करने का एक ऑप्शन, बस क्या करेंगे इस डाउनलोड में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका फाइल वहां पे डाउनलोड हो जाएगा, आपका फाइल मैनेजर में चले जाएगा। तो गाइस इस तरह से बढ़िया आसानी से आप अपना यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, मतलब किसी भी बोर्ड का आसानी से अपना 10th 12th का ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं
चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।